Hi students, today I am going to say class 12th English was first chapter, the last lesson written by Alphonse Daudet. In 1842-1897 ये कौन थे? एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. इस किताब द लास्ट लेसन कौन से पीरियड में लिखा गया है? जब फ्रैंक एंड पर्शियन के बीच में वार हो रहा था. व्हिच फ्रेंच वाज डिफीटेड बाय पर्शिया लेड बाय बिस्मार्क. जब इन्होंने वार के बीच में इस किताब लिखा गया, फ्रांस उस वार में हार गया था. उस समय लेड बाय बिस्मार्क पर्शियन देन कंसिडर्ड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. अभी कौन कौन है इसमें? जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. इन द स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड. ये दो डिस्ट्रिक्ट किसके आते हैं? पर्शियन. जब युद्ध में हार गए, वार में हार का सामना करना पड़ा था फ्रांस को, तो इस दो डिस्ट्रिक्ट में उनके हाथों में चला गया. दो डिस्ट्रिक्ट एल्सस एंड लोरेन है पास्ड इनटू पर्शियन हैंड. और आगे जो कहानी जानने के लिए आगे अगर पढ़ेंगे इसमें स्टोरी में द लास्ट लेसन, इसमें हम दो चीज विषय, दो संदेश, दो विषय सीखने को मिलता है. द इम्पैक्ट ऑफ वार इन कॉमन अपन कॉमन पीपल, एक आम जनता पर क्या गुजरता है एक वार से. और दूसरा लैंग्वेज आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक, जो भाषा का कितना महत्व होता है, उस दो संदेश यहाँ पे हम प्राप्त करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट स्टोरी. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. यहाँ नरेटर कह रहे हैं उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल जाने के लिए शुरू किया स्कूल जाने के लिए निकला. और भय से, हमेशा मेरे अंदर भय बना हुआ था स्कॉल्डिंग, डांट खाने का, क्योंकि मेरे जो टीचर हैं, उनके जो टीचर थे एम ए हेमेल, हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल. क्यों ना, उन्हें ये डर सता रहा था कि उनके सर जो होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल्स के ऊपर, पार्टिसिपल ग्रामर पोर्शन में से एक टॉपिक है में से आता होगा, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ अबाउट देम. मुझे पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं आता था, एक शब्द भी उनके बारे में नहीं मालूम था मुझे. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, मैं कुछ क्षण के लिए सोचने लगे मैं चला जाऊँ कहीं घूमने के लिए. और उस दिन का समय था, गर्मी हो रहा था, धूप का समय था, ब्राइटनेस था, चिड़िया सब चिल्ला रहे थे, चिड़िया चिपिंग आवाज़ कर रहे थे. द एज ऑफ द वुड्स, लकड़ी किनार जाते हुए चिड़िया सब इस तरह अपना शोर मचाते हैं, एज यूजुअल हैपेंस. एंड ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, और ये कहाँ पर है? सो मिल के बैक में जो खुला मैदान था उस इलाके में. और वहाँ क्या, पर्शियन के सोल्जर लोग ड्रिलिंग कर रहे थे. इट वॉज ए ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल. और ये मेरे लिए टेम्पटिंग कर रहा था, मुझे अट्रैक्ट कर रहा था पार्टिसिपल से भी ज़्यादा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मेरे पास इतना तो शक्ति था कि मैं उसको जो टेम्पटेड हो रहा था. कई बार होता है ना, हम लोग कहीं पढ़ने का मन नहीं करते, दूसरा चीज़ों में हम लोग बहक जाते हैं इस तरह. लेकिन एक कहता है यहाँ नैरेटर, यहाँ कहते लेखक कहते हैं कि मुझे, मेरे पास इतना शक्ति था, इतना पावर था कि मैं उस शक्ति को या उस टेम्पटिंग अट्रैक्शन को मैं पार करते हुए मैं अपने स्कूल की ओर जा सकता हूँ. और उन्होंने पूरा जल्दीबाजी से हरीड, मैं जल्द से जल्द तत्पर होते हुए मैं निकल गया स्कूल की ओर, उस सारी चीज़ों को छोड़ते हुए. हल देखने का मन कर रहा था, पर तत्पर भी उसने रेसिस्ट उसका सामना किया और स्कूल की ओर दौड़ पड़ा. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. मैं जब शहर से गुजर रहा था, टाउन हॉल से गुजर रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड में बहुत एक क्राउड खड़ी थी उस बोर्ड में.
जो उस बोर्ड में क्या था, सारे न्यूज़ होता है बुलेटिन, मतलब बुलेटिन कहते हैं जो न्यूज़, फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बेड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और पिछले 2 सालों से जितने भी खबरें आती है, जब बुरी खबरें सब आती हैं, इसी बुलेटिन बोर्ड से आता है, आता है द लॉस्ट बैटल्स, क्या 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 उसमें खबरें सब आई हैं, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जिसका हुक्म होता है जो वार में हार गए थे, इस सारी चीज़ को यहाँ बुलेटिन बोर्ड से ही खबर मिली हुई है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर, मैं सोचने लगा मैं बिना रुके भी कैसे जान सकता हूँ क्या हो सकता है, मैटर क्या है, क्या किस लिए सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए हुए हैं। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, जैसे मैं जितना जल्दी में था जितना जल्दी हो सके पहुँच जाऊँ, जितना जल्दी निकल जाऊँ वहाँ से, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर, उस समय मैं देखा कि ब्लैक स्मिथ जो उसका नाम है वॉचर वहाँ पे था विथ हिज अप्रेंटाइस, अप्रेंटाइस मतलब लर्नर जो सीखने वाले व्यक्ति, रीडिंग द बुलेटिन, उन लोग वो रीड बुलेटिन को पढ़ रहे थे, कॉल्ड आफ्टर मी, उन लोग उन्हें बोले, उनको कहे, उनको बुलाए, डोंट गो सो फास्ट बब, बच्चा जल्दी नहीं बाजी नहीं करना, आप स्कूल में आराम से पहुंच जाएंगे, समय से पहले पहुंच जाएंगे, इतना जल्दी बाजी करने की जरूरत नहीं है, उन लोग कहे। तब मैंने सोचा शायद उन लोग मुझे मजाक कर रहे हैं, थैंक फन ऑफ मी, एंड रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैं दौड़ता हुआ पहुंचा सांसें लेते हुए उसके जो छोटा सा गार्डन था उसकी ओर चला गया, इस क्लासरूम के पास ही था वो, तो उस तरह मैं चला। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, हालांकि हमेशा जब स्कूल प्रारंभ होता है तो बहुत आवाज़ नॉइज आते हैं, डेस्क में आपस में लड़ना, इस तरह के शब्द सुनाई देता है, विच कुड बी हैड आउट इन द स्ट्रीट, मैंने गली तक सुना जाता है, जो स्ट्रीट तक सुना जाता है, इतनी आवाज़ वहाँ पर होता है हमेशा। द ओपनिंग हैंड एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ऐसे खोलना बंद करना, ये सारे आवाज़ होते रहता है। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मतलब साथ मिलकर जो पढ़ते हैं उसको लेसन रिपीटेड इन यूनिसन कहा जाता है, जो सारे बच्चे मिल करके एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ते हैं उसे कहते हैं रिपीटेड इन यूनिसन। और इस तरह का आज नहीं हो रहा है, विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हासिल के कान तक हम अच्छे समझ सकते हैं इसलिए ऊंची आवाज में पढ़वाते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और बहुत बड़ा एक रूलर क्या है टेबल में पड़ा हुआ था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टील, लेकिन अभी ऐसा बहुत ही मैंने कुछ ऐसा नज़ारा नहीं था जैसा पहले रहता, ऐसा नहीं है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, और मैं ये सोच रहा था, मैं गिन रहा था, मैंने इस तरह मैं मान लिया था कि इस तरह नॉइज होते रहेगा हर दिन की तरह, लोग बच्चे शोर करते रहेंगे आपस में बहुत ऊंचे आवाज में पढ़ते रहेंगे, उस समय अंदर से धीरे से घुस जाऊंगा, चला जाऊंगा अंदर क्लास में, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन जैसे सब कुछ ऐसे लग रहा था संडे मॉर्निंग स्कूल में, आप समझ सकते हैं संडे मॉर्निंग में कैसा रहता है माहौल। थ्रोट द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेस, और मैं विंडो की तरफ से देखा मेरे सारे क्लासमेट अपने अपने जगह में बैठ चुके हैं, एंड एम हैमल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और मेरे जो टीचर जो थे एच एम हैमल जो होमवर्क दिए थे पार्टिसिपल्स के बारे में, उन्होंने आर्म्स में जो छड़ी है जो आयरन रूलर है उसे ले करके इधर उधर हो रहे हैं। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे इससे ऐसा करना था कि सबसे पहले मैं कॉल करके सबसे पहले मैं पहुंच जाना चाहिए था। यू कैन इमेजिन नाउ हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ है तो आप सोच सकते हैं कि मैं किस तरह डरा हुआ, किस तरह भयभीत हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, और हैमल जो उनका टीचर मुझे देखे और बहुत ही काइंडली से मुझे कहे गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स,
उसने टीचर उनके कहे अपने जगह में चले जाओ बच्चे, वी वेर बिगनिंग विदाउट यू, और हम आपके आने से पहले ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ट अपॉन द ब्रांच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं तुरंत कूद गया अपने डेस्क में, वहाँ जाकर बैठ गया। नोट टिल देन, लेकिन इतना ही नहीं है, वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई प्राइड डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट फ्रेल्ड, और मैंने देखा, इतना ही नहीं, मैं जब इतना ही सोच रहा था, मैंने इतना डरा हुआ, इतना चौंक गया था, मुझे सरप्राइज हो गया था कि ये सारे माहौल आज कैसे, हर दिन क्या होता है, बहुत नॉइज होता है, बहुत शोर शराबा चलते रहता है, लेकिन आज अलग सा है। लेकिन इतना ही नहीं, थोड़ी देर बाद मैं देखा अपनी जगह से, हमारे जो टीचर थे ग्रीन कोट में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे सुंदर पोशाक पहन करके, अच्छे ड्रेस में, अच्छे कोट पहने, ग्रीन कोट के साथ आए हुए हैं, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट के साथ बैठे हुए हैं। और अगेन ही हैज सीन सम मोर विलेजर्स आल्सो सिटिंग देयर एंड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनका पहनाव के बहुत ब्यूटीफुल कोट है, शर्ट है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कढ़ाई से कढ़ाई किया हुआ, एम्ब्रॉयडर मतलब कढ़ाई करना, दैट ही नेवर that he never wore except on his on inspection and prize days, और ऐसे पोशाक जिस तरह आज पहने हुए हैं, पहला राइटर को क्या सरप्राइज किया है, फर्स्ट थिंग दैट एवरीथिंग इज काम काम क्वाइट, सभी बच्चे शांत बैठे हुए थे। अभी दूसरा सरप्राइज ये लग रहा है, इन लोग का पोशाक इतना ब्यूटीफुल, कोट वगैरह सब पहने हुए हैं, और ऐसा ड्रेस केवल जांच के लिए जब जाते हैं या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय ही पहनते हैं। बिसाइड द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और इसके अलावा सारे स्कूल बहुत ही अजीब लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, हालांकि सब चीज़ बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे क्या सरप्राइज किया कि जो पीछे जो बेंच पड़े हुए थे, उस हमेशा खाली रहा करता था। On the back benches that were always empty, हमेशा खाली रहता था। The village people sitting quietly like ourselves, और विलेज गाँव के भी लोग भी आकर के पीछे बैठे हुए, जो हमेशा वो बेंच खाली रहता था, लेकिन आज क्या है, गाँव के लोग आकर के पूरा शांत बैठे हुए हैं हमारे जैसे। ओल्ड हाउसर्स, हाउसर्स मतलब एक सरनेम तरह होता है जो होते हैं, विथ हिज थ्री कॉर्नर द हैट, उन लोग टोपी पहने हुए, थ्री कॉर्नर वाला हैट भी पहने हुए हैं। द फॉर्मर मेयर, जो फॉर्मर मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर्स हैं, पास्टर हैं, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और बहुत सारे लोग उसके अगल बगल बैठे हुए हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और हर कोई दुखी उदास दिख रहे थे। एंड हाउसर्स एंड ब्रॉट एंड ओल्ड प्राइमर मतलब पुराने जो छोटे बच्चों की किताबें होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, LKG UKG में नर्सरी में मिलते हैं, वो प्राइमरी बुक होते हैं, जैसा प्राइमर, उस किताब को वो लेकर आए हुए। कौन, जो लोग आकर पीछे बैठे हुए हैं, मेयर हैं, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, ये सब, और बहुत सारे लोग गाँव से आए हुए हैं, उन लोग पीछे बैठे, और ओल्ड प्राइमर वो किताब लेकर आए, जो थंब्ड एट द एज, जो किनारे किनारे मुड़ा हुआ है, सकरा हुआ, जैसे आप जानते हैं छोटे बच्चों की किताब अक्सर किनारे किनारे एज में उसके जो भाग होता है, किनारा भाग, वो मुड़ जाता है, उस तरह मुड़ा हुआ है। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस गांव लोग क्या कर रहे हैं, अपने घुटनों में, अपने नी में उस किताब को रखे हुए हैं, उसे अपने चश्मे के सहारे से चारों सब तरफ निहार रहे, पेज की ओर देख रहे हैं। कौन, गांव के लोग सब आए हुए हैं। वेल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमेल माउंटेड ही चेयर, और मैं सब कुछ देख रहा था, मैं बड़ा चौक से, मन चौक रहा था, या वॉन्डरिंग मैं अद्भुत तौर से मैं ये लग रहा था, वॉन्डरिंग अबाउट ऑल, मैं सारे विषय में अद्भुत हो जा रहा था, चकित हो रहा था। लेकिन उस समय हेमेल क्या किया, अपने चेयर में बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन,
which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson." और उसने बैठ के कहा, बहुत ही काम वॉइस में, बहुत ही काइंड वॉइस में उसने कहा, प्यारे बच्चों, ये है आपका लास्ट लेसन। आप समझ सकते हैं, दिस इज द चैप्टर नेम और टाइटल आल्सो द लास्ट लेसन। सभी शांत बैठे हुए हैं, ये भी चकित हो गया है, राइटर चकित हैं, और अब कह रहे हैं, उनके टीचर कह रहे हैं कि ये लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। क्या कारण है लास्ट लेसन कहने के पीछे? क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है टू टीच ओनली जर्मन। अभी तक क्या पढ़ाया जा रहा था? फ्रेंच, फ्रेंच पढ़ाया जा रहा था, पर फ्रेंच का जो डिस्ट्रिक्ट जो मैंने कहा कब्जे में ले लिया गया था, जब युद्ध वार के समय, कब हुआ था वार? जब हुआ था 1870-71 बीच में जो हुआ था, उसके बीच में पर्शियन ने विजय हासिल, पर्शियन को फ्रेंच को हरा दिया था, उसमें से दो डिस्ट्रिक्ट अपने कब्जे में ले उसमें, और क्या होगा, बर्लिन से, उस समय बर्लिन जर्मन में था, और वहाँ पे ऑर्डर पारित करके भेजा गया, इस जगह पे अब फ्रेंच का पढ़ाई नहीं होगा, फ्रेंच भाषा का पढ़ाई नहीं होगा, इसलिए टीचर यहाँ कहते हैं द लास्ट लेसन। आज ही जो पढ़ा रहा हूँ मैं लास्ट है, इसके बाद और पढ़ाई इस भाषा में नहीं होगा। किस भाषा में होगा? जर्मन। क्यों? ए ऑर्डर आया है कहाँ से? बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन ही पढ़ाना है इन द स्कूल ऑफ एलेक्स, एलेक्सिस एंड लॉरेन। एक जो डिस्ट्रिक्ट जो था उनके कब्जे में आ गया था, उनके लोग अपने कब्जे में ले लिए थे। इस दो डिस्ट्रिक्ट में क्या पढ़ाया जाए? केवल जर्मन। अभी तक क्या पढ़ाया जाता? फ्रेंच। द न्यू मास्टर कम्स टुमोरो, दिस इज योर फर्स्ट लास्ट फ्रेंच लेसन। और नया टीचर कल आएंगे, क्या पढ़ाने? जर्मन, और ये आपका लास्ट लेसन है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द लास्ट लेसन, व्हाई टाइटल इज गिवन। बड़ा अजीब सा टाइटल दिया गया है, लेकिन क्यों दिया, क्यों कहा गया, आप समझ सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे उसमें, जर्मन जो नए टीचर आएंगे। व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, और बहुत ही ईमेल क्या है ना, बहुत ही अद्भुत सा, जैसा एक छदमा सा लग जाता है ना, उस तरह के शब्द, ये शब्द सर मेरे छू गया, क्योंकि कल से और जो भाषा पढ़ रहे थे उस भाषा नहीं पढ़ेंगे कल से, बहुत ही एक मन छदमा सा लग जाता है, और ओ दैट द रेचस, और बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब है। दैट वॉज दैट वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही विषय ही टाउन हॉल का जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर लगाया गया, ये सारे पढ़ देंगे। डियर स्टूडेंट, फॉर फर्स्ट पार्ट आई एम स्टॉपिंग हियर, एंड प्लीज वेट फॉर सेकेंड पार्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे।